और दिल्ली की जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक लेटर बम फोड़ा है, जिसमें उसने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछा है कि अगर मैं महाठग हूं तो मुझसे पैसे क्यों लिए। जेल में बंद देश के सबसे बड़े महाठग सुकेश चंद्रशेखर का एक और लेटर सामने आया है। ठग सुकेश ने नए लेटर में सीधे केजरीवाल के सामने सवालों के बम फोड़ दिए। लेटर में दिल्ली के मुख्यमंत्री और सत्येंद्र जैन को लेकर बहुत कुछ लिखा गया है। सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के एलजी को लिखा पत्र, यदि मैं महाठग हूं तो मुझसे 50 करोड़ रुपए क्यों लिए, मेरी डिनर पार्टी में क्यों शामिल हुए केजरीवाल जी, मैं ठग हूं तो मुझे 500 करोड़ रुपए जुटाने को क्यों कहा, कर्नाटक में मुझे बड़ा पद देने का वादा क्यों किया। अपने लेटर में साल 2016 में दिल्ली के होटल हयात में दी गई डिनर पार्टी में केजरीवाल के शरीक होने का जिक्र सुकेश ने किया है। साथ ही कहा है कि जब 50 करोड़ दिए थे उस पार्टी में सत्येंद्र जैन भी साथ थे, ये पैसे कैलाश गहलोत के असोला फार्म पर दिए गए थे। यही नहीं, जेल में बंद सुकेश से साल 2017 में सत्येंद्र जैन के काले रंग के आईफोन के जरिए केजरीवाल से बात करने का भी जिक्र किया गया है। और इतना ही नहीं, चंद्रशेखर का खत सामने आने के बाद दिल्ली में सियासी आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया है। इसी पर ये रिपोर्ट देखिए। महाठग सुकेश चंद्रशेखर का लेटर बम सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला है। आपने सुकेश को स्टार कैंपेनर बताते हुए कहा कि एमसीडी के चुनावों को लेकर बीजेपी घबराई हुई है। भारतीय जनता पार्टी की छटपटाहट इतनी हास्यास्पद हो गई है कि अब भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर झूठे आरोप लगाने के लिए इस देश के सबसे बड़े महाठग सुकेश चंद्रशेखर का सहारा लेना पड़ रहा है। इसके बाद बीजेपी ने पलटवार करते हुए अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली की जनता को ठगने, उगाही और भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। गलत नहीं होगा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे महाठग अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। बहरहाल चुनावी मौसम में सुकेश के लेटर बम ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। खत को लेकर सुकेश चंद्रशेखर के वकील अनंत मलिक ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने सुकेश पर दबाव बनाया और उससे पैसे भी लिए। सर, लेटर में क्या कुछ है और जिस तरीके से केजरीवाल पे बातें की गई है, क्या केजरीवाल की क्या इन्वॉल्वमेंट है? देखिए, सुकेश चंद्रशेखर ने काफ़ी डिटेल्ड प्रेस रिलीज़ किया है। आज 7 अक्टूबर 2022 को एलजी साहब को एक चिट्ठी लिखी जाती है जिसमें इन्वेस्टिगेशन सीख की जाती है। सत्येंद्र जैन साहब के बारे में बोला जाता है, डीजी प्रिजन्स के बारे में बोला जाता है। डीजी प्रिजन्स का आप सबको पता ही होगा, कल तबादला हो गया है इस मैटर में। उसके अलावा सुकेश चंद्रशेखर ने करंट लेटर में पूरा डिटेल्ड तरीके से बताया है कि कैसे उनके आम आदमी पार्टी के लोगों के साथ संपर्क थे, कैसे उन पर दबाव बनाया गया, कैसे उनसे पैसा लिया गया। उसके अलावा कब कब कहाँ कहाँ मीटिंग हुई गई, हयात होटल में डिनर पार्टीज़ रखी गई जहां आम आदमी पार्टी के लोग आते थे। उसके अलावा एक फार्म हाउस है असोला में जहां पर कुछ मनी की डिलीवरी हुई है। दिल्ली में भिखाजी खामे वाला हयात होटल, उसका बयान किया गया चिट्ठी में एकदम डिटेल।